पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और आपको सीधे लेकर चलते हैं, मंत्री बसंत सोरेन क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। आज की शाम वो घर में होंगे। बिल्कुल, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज की शाम वो हम लोगों के बीच होंगे। आप लोग छोड़े तो मैं प्रोसेस को समझ सकूं। वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होगा। इतनी बड़ी जीत मानते हैं? ये जीत नहीं है, बड़ा विश्वास था हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर, तो आज हम लोगों की न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई शर्त नहीं है जी। जमानत मिली है और उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और न्याय की आज जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की आज जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को 50,000 रुपए के दो मुचलके पर। पूरा विश्वास था न्यायालय पर और आज हम लोगों को न्याय मिला है। हेमंत सोरेन जी जब हम लोग के बीच में आएंगे, कार्यकर्ताओं में जो खुशी है, जो उत्साह है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि लगातार कहा जा रहा था कि षड्यंत्र के तहत उन्हें अंदर जेल भेजा गया, तुम जा रहे हो वहीं कि तुम क्या लाइक देगा ना वहां, वहीं से देंगे, वहीं सब होगा। तो संजय 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 जस्ट सुना, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने की खबर सामने आई, जेएमएम के एक एक कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, खुशी देखने को मिली। और अगर हम आपको पूरी जानकारी दें तो झारखंड में गठबंधन के जितने भी विधायक हैं सब खुश नजर आ रहे हैं और महागामा में जश्न भी मनाई गई है, जेएमएम कार्यालय में भी जश्न मनाया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री आवास में भी मिठाइयां बांटी गई हैं। फिलहाल बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया चल रही है और जेएमएम के नेताओं का कहना है कि हमें भी उम्मीद है कि आज शाम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे बीच होंगे। तो आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया गया और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। आपको बता दें जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।